फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट झटपट से बनने वाले मुरमुरे की स्वीट की रेसिपी। इसको बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी घर में रख के सामान से। तो ये देखिए, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं थोड़ा इसे गार्निश कर दूंगी पिस्ता से। और ये देखिए, मैं भी आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। इसको खा के देख के कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसे मुरमुरे से बनाया है। और बहुत ही इजीली झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं और विदाउट फेल आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। चलिए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने बनाई है स्वादिष्ट मुरमुरे की स्वीट की रेसिपी। तो मुरमुरा का स्वीट बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे सबसे पहले 3 कटोरी मुरमुरे। अभी बारिश का मौसम है तो मुरमुरे में थोड़ी नमी हो गई है, तो इसलिए मैं इस तरीके से मुरमुरे को थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अगर मुरमुरे आपके क्रिस्पी हैं तो उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रिस्पी हैं तो ये प्रोसेस आप स्किप कर दो। जैसे मैंने पैकेट पहले से ही खोल रखा था तो थोड़े ये नमी वाला हो गया, और ये अच्छे से हम पीसेंगे तो पीसेगा नहीं। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से दबा दी तो भी ये क्रिस्पी नहीं है, इसलिए टूट नहीं रहा है। इसलिए हम 1 से 2 मिनट इसे इस तरीके से कम आँच पे भून लेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए, और जब हम इसे पीसें तो ईजिली पिस जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लें मेजरमेंट के लिए, उसी से नाप के आपको सब कुछ लेना है। घर की कोई भी कटोरी ले लें, तो इसी तरीके से भून लेंगे हम इसे क्रिस्पी होने तक। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद, मैं भून के दिखाती हूँ अभी आपको। तो देखिए, मुरमुरा हमारा भून के तैयार हो गया है। लगभग 2 मिनट मैंने इसे भून लिया कम आँच पे, और ये देखिए मैं जब तोड़ रही हूँ तो ये बहुत ईजिली टूट रहा है। तो भूनने से फायदा होगा कि ये ईजिली पिस जाएगा। तो चलिए इसको अब इसमें से निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसका पाउडर बना लेंगे। ये मैंने मुरमुरा निकाल लिया, फिर से वही कढ़ाई ले ली। कढ़ाई हमारी गर्म ही है, तो इसमें हम डाल देंगे अब 1 कटोरी चीनी। उसी कटोरी से नाप के मैं ले रही हूँ चीनी, और उसी कटोरी से नाप के हमें ले लें 1/2 कटोरी पानी। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो चलिए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, ठंडा हो गया। तो चलिए इसको एक मिक्सी के जग में ले लेते हैं, इसको पीस लेते हैं। 2 बार सिर्फ मैंने पल्स मोड पे चलाया और मुरमुरा हमारा इस तरीके का पीस के तैयार हो गया। तो चलिए इसे एक साइड रख देते हैं और चीनी को देख लेते हैं, चीनी भी मेल्ट हो गई होगी। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी को मेल्ट कर लेना है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दूध, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी दूध की मलाई। फ्रेश मलाई ले ली है मैंने, ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही अच्छा सा मावा जैसा फ्लेवर देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेक्सचर आता है, बिल्कुल मार्केट जैसे स्वादिष्ट मिठाई लगती है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ। मिल्क पाउडर में कोई लम्स नहीं होने चाहिए, और बस 2 मिनट इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया। दूध डालने के बाद, मलाई डालने के बाद भी मैंने 1 उबाल इसमें आने दिया है। 1 उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मुरमुरा पीस के रखा था, ये लगभग 1 कटोरी हो गया पीसने के बाद। इसको सारा ये इसी में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मुरमुरा डालने के बाद गैस को बंद कर दें और ये जो लम्स है इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अगर दूध गर्म रहेगा, उबलता रहेगा, तो बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो गैस को आप बंद कर सकते हैं, मैंने बंद कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी स्वीट बहुत अच्छी बन के निकले, उसमें कोई लम्स ना हो। ये देखिए, ये लम्स है ना, इनको हमें मिक्स कर लेना है, फिर हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुरमुरा बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। इस स्वीट को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए, मैंने गैस को बंद कर रखा है और ये कितना गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए, सारे लम्स मिल गए। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और आंच को कम ही रखेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही अच्छे से फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच केवड़े का एसेंस। आप रोज एसेंस डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह छोटी इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, हरी वाली, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। इसको खा के कोई ये नहीं बता पाएगा कि हमने मुरमुरे से बनाया, घर में बनाया है, इतना अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है इसका। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 ड्रॉप
येलो फूड कलर, मैं फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लुक अच्छी आएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आएगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स करेंगे, बस एक मिनट और पका लेना है, देखना ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगी। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल ठीक होने लग गया, ये बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा और कढ़ाई को छोड़ देगा। अब अच्छी सी साइन के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी एक चम्मच देसी घी, लास्ट में डाल दें इस तरीके से, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी हमारी स्वीट में। अगर आप स्किप करना चाहते तो कर सकते, अच्छी सी लुक के लिए मैंने दिया यहाँ पे, और इसे मिक्स करेंगे। इस स्वीट को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। ये देखिए ये कितना अच्छा ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल डो जैसा इकट्ठा हो गया, ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है, और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया अच्छे से। ये देखिए इस तरीके का जब हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे और चलिए इसे सेट होने के लिए रख देते। अच्छे से ग्रीस करके केक टिन ले लिए, आप किसी भी थाली में, कटोरे में, किसी भी चीज़ में इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो ये मिक्सर हम सारा इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए सारा मिक्सर मैंने डाल दिया, इसको अब हम बराबर कर देंगे। अच्छे से इसको सभी तरफ से इवन कर दिए, बराबर कर दिए। तो चलिए इसको अब ठंडा होने देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। चलिए मिलते हैं लगभग 20 से 25 मिनट बाद। देखिए अच्छे से ठंडा होने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए तो चलिए इसको इसमें से निकाल लेते। तो ये देखिए हल्का सा टैप करेंगे और ये निकल आएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी स्वीट बनके तैयार है। इसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसे मुरमुरे से बनाया है, वो भी बहुत ही कम सामग्री से, झटपट से। तो इसको बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं लगा दूंगी इस पर चांदी का वर्क। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन देखने में सुंदर लगेगा, इसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे चांदी के वर्क से डेकोरेट कर दिया। तो चलिए इसकी कर लेते कटिंग। कटिंग करने के लिए मैं इसे जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मैं उस तरीके से रेक्टेंगल काटूंगी इसको। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कट जाएगा, बिल्कुल स्मूथली। ये देखिए कितना अच्छा हमारा स्वीट बनके तैयार हो गया। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। इसको देख के या खा के कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इसे मुरमुरे से बनाया है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इजी और यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक और इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।